हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? आई होप प्रिपरेशंस अच्छी चल रही हैं. इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, सो बिगेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द बीजेपी गवर्नमेंट फॉर दिस मैसिव विनिंग. एंड दिस वाज अ मास्टर स्ट्रोक. आफ्टर सो मेनी इयर्स वी हैव गॉट अ डिफरेंट पार्टी विद सच मेजॉरिटी. ओके, सो दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली मेड फॉर द पर्पस कि इस साल इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं. आपके पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको पता भी होना चाहिए. चलिए, पेपर जो लोग नहीं भी दे रहे हैं उनको पता भी तो होना चाहिए ना कि एक्चुअली में हमने वोट किसको दिया, लोकसभा होता क्या है, राज्यसभा होता क्या है, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं, स्टेट पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, प्रेसिडेंट क्या होते हैं, राइट? तो इन पे बात करते हैं आज. देखिए क्या होता है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा जो हमारा सिस्टम है, ये चार पिलर्स में डिवाइडेड है. सबसे पहला पिलर कहते हैं लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो लोग लॉ बनाते हैं, मतलब सारे नेता लॉ बनाते हैं. लेजिस्लेचर जो स्टेट और सेंटर में डिवाइडेड है, इसको बोलते हैं फेडरलिज्म. फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, डिवीजन ऑफ पावर्स, स्टेट और सेंटर में डिवाइडेड है चीजें. सेकेंड पिलर इज एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव का मतलब है, नाम से समझ आ रहा है, जो लोग एग्जीक्यूशन करते हैं. देखिए, लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, मान लीजिए अगर आज से लॉ बना दिया कि काले कपड़े पहनना बैन है, ठीक है. अब ये लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, अब इसको एग्जीक्यूट कौन कराएगा? नेता तो आएगा नहीं ना एग्जीक्यूट कराने, उसको एग्जीक्यूट कौन कराएगा? एग्जीक्यूटिव हेड्स, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये सारे लोग एग्जीक्यूटिव के हेड. एग्जीक्यूटिव का हेड हमारे स्टेट में, हमारी इंडिया में, स्टेट का मतलब इंडिया में, हमारी इंडिया में इज द प्रेसिडेंट, ठीक है. जैसे ही लेजिस्लेचर के अंदर आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर जी, सिमिलरली एग्जीक्यूटिव का हेड जो है, एग्जीक्यूटिव के हेड को सबसे रेप्यूटेड और सबसे पावरफुल माना जाता है, ठीक है, दैट इज द प्रेसिडेंट. द थर्ड पिलर इज योर ज्यूडिशरी, ठीक है. ज्यूडिशरी का काम क्या है? ज्यूडिशरी में आपके सारे कोर्ट्स आ गए. ज्यूडिशरी का काम क्या है? ज्यूडिशरी ये चेक करता है कि लॉ जो बनाया था वो ठीक बनाया था, क्या उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और नहीं किया जा रहा तो ज्यूडिशरी विल इंटरवीन एंड से दैट दिस इज नॉट राइट एंड दिस शुड बी डन इन दिस वे. ओके, तो दीज थ्री आर द पिलर्स विच हैव सेपरेट वर्क्स बट कीप अ चेक बैलेंस ऑन ईच अदर. एंड द फोर्थ पिलर विच इज द मेजर पिलर एंड विच इज मोस्ट डोमिनेटिंग दीज डेज इज मीडिया. आजकल उसका आपको तो रोल पता ही है कि अगर आपने एक व्हाट्सएप, एक फेसबुक पे पोस्ट पढ़ लिया तो हाउ मच इफेक्ट यू गेट इट, ठीक है. सो मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन वाले मैसेजेस आते हैं कि मैम ये यहाँ था, ऐसे था, ये क्या है. सी, मीडिया इज प्लेइंग अ वाइटल रोल. मीडिया का काम क्या है कि ये जो तीन लोग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये काम अपना ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये एक्सपोज कौन करेगा? मीडिया. ये मीडिया का काम है कि वो इन तीनों का स्ट्रक्चर ठीक से देख के जनता के सामने लाए. देखिए, हमें तो नहीं पता ना कि पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, या फिर हम रोज सुप्रीम कोर्ट जाके तो देख नहीं सकते कि वहाँ पे क्या जजमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ठीक हो रहा है नहीं हो रहा. हमें कैसे पता चलेगा? हमें मीडिया से पता चलेगा, वेदर इट इज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन मीडिया, एनी मीडिया, राइट? सो दीज आर द मेजर फोर पिलर्स ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री विच हैव देयर डिफरेंट वर्क्स बट कीप्स अ चेक बैलेंस ऑन ईच अदर. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द इलेक्शन थिंग. देखिए, पूरा जो सिस्टम है ना, ये यूनियन की बात करती हूँ, यूनियन में मेजर रोल प्ले करता है पार्लियामेंट. पार्लियामेंट क्योंकि लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट ही लेजिस्लेचर अथॉरिटी है जो कि लॉ बनाता है. लेजिस्लेचर का मतलब ही है लॉ बनाना. तो पार्लियामेंट जो है वो दो हाउसेज में और प्रेजिडेंट में डिवाइडेड है, मतलब तीन लोग, इंटीग्रल पार्ट. नंबर वन इज लोकसभा. लोकसभा का मतलब है लोगों ने जिनको चुना है. लोकसभा, आपने लोकसभा इलेक्शंस में पार्ट लिया था, लोगों ने जिनको चुना है. सेकंड इज राज्यसभा. राज्यसभा मतलब कि जो राज्यों में से आए हैं, जिनको चूज करके लाया गया. आप कभी भी राज्यसभा के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. अभी मैं उसको भी बताऊंगी कि क्या होता है उसमें, समझ आ रहा है? लोकसभा में आप डायरेक्टली पार्ट लेते, जैसे नाम ही है लोकसभा, लोगों का. ओके, और राज्यसभा. And the third part, integral part, is the president. President is the integral part of the parliament. Okay? क्योंकि अगर कभी भी कोई लॉ बनाना होता है, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने बिल पास कर दिया, यदि प्रेजिडेंट उनको साइन नहीं करेंगे तो वो बिल पास नहीं होगा, ठीक है. ये लेजिस्लेटिव अथॉरिटी में जाता है, पावर्स में जाता है प्रेजिडेंट की, राइट? यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमने ये देखा कि लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेजिडेंट. अब जरा ये बात करते हैं कि मैम, ये यूनियन और ये स्टेट का सिमिलैरिटी क्या है? मतलब हमने तो
मोदी जी को चूज करा, अब ये मोदी जी को हमने जो लेकर आए हैं, क्या इससे हमारी स्टेट पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए क्या होता है कि मैं यूनियन की बात करती हूँ, बस इतना समझो, देखो यूनियन में जो प्रेसिडेंट का काम है वो सेंटर में गवर्नर का काम है, ठीक है। आर्टिकल 72 यहाँ पे मुझे बोलता है कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास क्या है, गवर्नर है। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं जो काम यहाँ पे पीएम का है, यूनियन में पीएम का है, वो यहाँ पे सीएम का है। ये जो है ये अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड है, मतलब कि हमने, अब देखिए हालांकि एवरीबडी हैज वोटेड फॉर मोदी जी, ओके, लेकिन आपने जब आप वोट देने गए होंगे तो वहां पे मोदी जी को वोट नहीं दिया, आपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के हेड को वोट दिया है ना, आपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट दिया है, तो आफ्टर ऑल उनके लीडर मोदी जी हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना, कि अब जो यहाँ पे जो मतलब यूनियन में जो हेड होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड को पीएम कहते हैं। सिमिलरली स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली का जो हेड होता है उसको सीएम बोलते हैं। जो पार्टी जीतती है वो पार्टी क्या करती है, अपने हेड को चूज करती है, अपने लीडर को चूज करती है, और उसको हम पीएम और सीएम रिस्पेक्टिवली बोल देते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर हम आते हैं, यूनियन में हमारे पास लोकसभा राज्यसभा है, यहाँ पे हमारे पास स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद है। अब ये कहानी बड़ी गड़बड़ हो जाती है, देखिए, क्योंकि स्टेट हमारे पास बड़ी छोटी छोटी स्टेट्स भी हैं, सिक्किम, गोवा, बड़ी छोटी छोटी, और बड़ी बड़ी स्टेट्स भी हैं, मध्य प्रदेश, यूपी, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिनमें बहुत पॉपुलेशन है ना। अब क्या होता है कि हमने दो हाउसेज बनाए, दो हाउसेज में स्टेट की बात कर रही हूँ, अगर मैंने विधानसभा विधान परिषद दोनों ही हाउसेज सारी ही स्टेट्स में बना दिए तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो हमने क्या करा, हमने जो विधान परिषद है, विधान परिषद का मतलब क्या है कि अपर हाउस हमने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में दिया है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हालांकि हमने एक रेंज रखी हुई है, जैसे यहाँ पे लोकसभा में हमारे पास जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं अभी जो लड़ाई हुई है 543 सीट्स के ऊपर हुई है, ठीक है, तो 545 हमारे पास मैक्सिमम है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो दैट इज़ 552। आप 552 से ज़्यादा लोकसभा में सीट्स नहीं रख सकते। 552 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया हुआ है, 530 तो आएंगे स्टेट से, 20 आएंगे यूटी से, और 2 आते हैं एंग्लो इंडियन जिनको नॉमिनेट करते हैं प्रेजिडेंसी, समझ आ रही है बात। सिमिलरली राज्यसभा में मैक्सिमम कैपेसिटी इज 250 में 238 तो आते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन से, और 12 जो लोग हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। सिमिलरली स्ट्रक्चर यहाँ पे है मेरे बेटा, देखिए यहाँ पे आपको रेंज दी हुई है ना कि आप इतने इतने लोग ही दे सकते हो, सिमिलरली स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है। स्टेट में क्या बोलता है कि आप 60 से कम और 500 से ज़्यादा मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं रख सकते। मेंबर ऑफ लेजि, आपके यहाँ पे एमएलए होते हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं ना उनको, तो आप 60 से कम और 500 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते उसमें। हालांकि हमने इसके पॉपुलेशन को डिवाइड किया हुआ, पॉपुलेशन के बेसिस पे ही है कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन पे। अब कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमने दोनों चीज़ें हैं, विधानसभा भी विधान परिषद भी, स्टेट की बात करी हूँ, विधानसभा भी विधान परिषद, ऐसी 7 स्टेट है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए कि ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पे ये है। अब हमारे पास 29 स्टेट है, हमें कैसे याद रहेगा, है ना। ऐसी सिर्फ और सिर्फ 7 स्टेट हैं जहाँ पे ये दोनों हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बाई कैमरलिज्म, दोनों कैमरलिज्म हैं, दोनों हाउसेज हैं स्टेट में। इसको याद करने की ट्रिक है MB कटजू, मैंने याद कर रखने के लिए अपने लिए बना रखी है कि MBBS करने के लिए बहुत काजू खाने पड़ते हैं, हैंस इट इज़ MB कटजू, याद कर लीजिए आप। महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर एंड यूपी, ठीक है, लिख लेना पेपर पेन लेके, MB कटजू। ये 7 स्टेट वो स्टेट हैं जहाँ पे विधान परिषद भी है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि विधानसभा में हमारे पास 60 से कम और 500 से ज़्यादा वाली कैपेसिटी है। ऐसी 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे एक्सेप्शन है, कितनी, मैं आपको नाम पढ़ के बता देती हूँ। पहला सिक्किम में सिर्फ 32 सीट्स हैं, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में, बिकॉज पॉपुलेशन ही इतना कम है ना। सेकेंड इज मिजोरम में सिर्फ 40 हैं, गोवा में भी 40 हैं, पौंडीचेरी में 30, देर आर फोर जिसमें पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोगों ने ये कम दिया हुआ है। यू गेटिंग माई पॉइंट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर वेयर बोथ द थिंग्स आर बीइंग फॉलोड।
ऐसे ही जैसे सेंटर में ये सारी चीजें हैं, सेंटर में एक और होता है इंसान जिसको बोलते हैं अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द यूनियन. ठीक है, इनके जो सेकेंड लॉ ऑफिसर होते हैं उनको बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया. ये सेंटर के पास हो गए, अब स्टेट के पास भी तो कुछ होना चाहिए ना. स्टेट के पास होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, जो कि लीगल एडवाइजर होते हैं कि अगर स्टेट को या सेंटर को किसी भी तरीके की लीगल एडवाइस की जरूरत होगी तो वो कहाँ जाएंगे. उनका वकील कौन है? उनके वकील हैं ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक लौती ऐसी पोस्ट है जिसका पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं टेन्योर ही नहीं दिया. ही प्योरली वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट. ठीक है, तब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल्स रटवा दूंगी कि कैसे आर्टिकल्स रटने हैं. हमने एक वीडियो बना दूंगी जिसमें हम शेड्यूल्स रट लेंगे, क्योंकि देखो पेपर आने वाला है और ये ऐसे पेट क्वेश्चन है जो बेसिकली पूछता ही पूछता है. कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन गेट इन टच विद मी. फास्ट ट्रैक कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है. फर्स्ट से 15 दिन की क्लासेस में हम सारे ही सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, वेदर इट इज रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, योर लीगल एप्टीट्यूड. लीगल एप्टीट्यूड में टॉट कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं. बड़ा ही स्ट्रैटेजिकली, बहुत ही स्मार्टली मैंने नोट्स भी बना रखे हैं इसके. सो गेट इन टच विद मी इफ देर इज एनी डाउट. यू कैन ड्रॉप इन टू द कमेंट. गेट इन टच विद मी ऑन माई फेसबुक और ऑन माई नंबर. माई नंबर इज 9899696615. So, see you very soon. Thank you so much.